को जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, प्रभु की आज्ञाओं पर चलें, जैसे मत्ती पुस्तक अध्याय 19 के 17 में लिखा है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित व्यक्ति को बोल रहे हैं कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, क्योंकि एक जीवन ऐसा है जो परमेश्वर देते हैं और एक जीवन वह है जिसे लोग परमेश्वर के बिना व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, शुरुआत में आपको ऐसा जीवन अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरे द्वारा दिया गया जीवन को जीना चाहता है तो चोरी न करना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना। पर अगर तू ऐसा करेगा तो शारीरिक रूप से तो तू नहीं मरेगा, पर आत्मा में मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरे द्वारा दिया गया जीवन जीना चाहता है, अगर तू वह धन चाहता है जिसके साथ मैं दुख नहीं मिलाता, अगर तू वह आशीषें चाहता है जो भविष्य में भी टूटती नहीं, जो सड़ती नहीं, तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं बाइबल में दी हैं वह आपके नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि आपके फायदे के लिए हैं, क्योंकि वह आज्ञाएं आपके व्यापार को जीवन देंगी, आपके शरीर को जीवन देंगी, आपके रिश्ते, सेवकाई, मानसिक, सामाजिक जीवन कुछ भी हो, अगर आप आज्ञाओं को मानोगे तो वह आपको जीवन देंगी। परमेश्वर ने कहा कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसका मतलब वह श्राप, दुष्टात्मा, पाप, वह कमी जिसकी वजह से कर्जा था, वह बीत चुकी है, क्योंकि तुम मसीही में नई सृष्टि हो। अब परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है। अब परमेश्वर की दया, उसका ज्ञान, उसका मसहा तुम्हारे ऊपर है। अब तुम कोई भी काम करोगे वह फलवंत होगा, और वह कर्जा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उतार दिया जाएगा। पर यह अपने आप नहीं होगा, आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और उनको पूरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि आज से मैं हमेशा आपकी आज्ञाओं पर चलूँगा और आपकी योजना में बना रहूँगा, ताकि मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, आपको नई आशीषों से भरे, पवित्र आत्मा से भरे परमेश्वर आपको, नए वरदानों से, दानों वरदानों से भरे परमेश्वर आपको। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।